एक एक दो तीन चार पांच, पूरी पांच बेडशीट मैंने मंगाई है अंडर 150 रुपीज। अब इससे ज्यादा क्या बजट रखूंगी मैं, एक 150 से ज्यादा क्या सस्ती आएंगी। 100 रुपये तो नॉर्मली डिलीवरी चार्ज भी लग जाता है अगर हम कुछ भी मंगाते हैं ऑनलाइन। तो ये मैंने 5 बेडशीट मंगाई हैं जिनका आज मैं कंप्लीट रिव्यू प्लस हॉल करने वाली हूँ, और कौन सी वाली मैं रखूंगी और कौन सी मैं रिटर्न कर दूंगी। ऑफकोर्स ये 5 बेडशीट हैं तो इनको सबको तो मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, और यहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं है हमारे फ्लैट में कि मतलब काफी ज्यादा फर्नीचर हो या बेड काफी ज्यादा हो, मतलब खैर ये सब बातों की तो जरूरत ही नहीं है। तो इनमें से देखते हैं कि कौन सी मैं रखूंगी और कौन सी मैं रिटर्न करूंगी, किसकी क्या क्वालिटी है। देखने में तो सब मस्त लग रही थी, लेकिन आने के बाद देख कपड़े को देखने के बाद मटेरियल को देखने के बाद पता चलता है कि रियल में क्वालिटी है क्या। तो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इस वाली को ओपन कर, नहीं, जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो वाली बेडशीट मैं सबसे लास्ट में ओपन करूंगी, यदि सबसे ऊपर ही रखी हुई थी। अब सबसे अच्छी कौन सी है वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तब पता चलेगा। तो अभी मैं रैंडमली जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो मैंने एक तरफ रख दी, और रैंडमली पहले जो भी आ रही है वो दिखाऊंगी। तो फर्स्ट नंबर पे आती है ये वाली बेडशीट। तो ये मैंने मंगाई है, क्रीम कलर है इसका, और लीफ का इसमें डिजाइन है जो कि डिजाइन अभी काफी ऑनलाइन पे वायरल चल रहा है। भाई 150 रुपये के अंडर तो मैंने मंगाई है, 10-20 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है सेल्स में या फिर वैसे, तो उस चीज के लिए आप मेरे को मत बोलना। और हाँ, 150 रुपये के अंदर ये बेडशीट है, प्लस आपको इसमें पिलो कवर भी मिल रहा है। ये देखिए, तो ये है इसका पिलो कवर, जो कि लेंथ जिसकी सही है, जिसको बोल सकते हैं मतलब सही है, मतलब छोटे आते हैं ना, कोई कोई छोटा होता है उसमें आ ही नहीं पाती है पिलो, तो इस तरीके का नहीं है, मीडियम जो लेंथ है वो है, मतलब आ जाएगी। देन उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसकी बेडशीट। तो बेडशीट कुछ इस टाइप की है, और ये देखिए इस तरीके का इस पर डिजाइन बना हुआ है। और कपड़े की बात करें तो कपड़ा देखिए आप, बैक साइड से मतलब अंदर की तरफ इस तरीके का कपड़ा है, मतलब ये जो प्रिंट है ना वैसा रबड़ प्रिंट जो होता है ऊपर ऊपर रहता है अंदर नहीं रहता है, उस टाइप का नहीं है, ये कपड़े के ऊपर ही प्रिंट है। और ये वाला प्रिंट मुझे अच्छा लगता है, जो रबड़ प्रिंट रहता है ना कपड़े को ऊपर ऊपर चिपका रहता है, फिर वो धुलने के बाद काफी खराब हो जाता है, वो वाला सीन नहीं है इसमें। और हाँ, इसका कपड़ा मटेरियल अच्छा है, अकॉर्डिंग टू प्राइस इसका मटेरियल अच्छा है। मुझे लगता है कि मतलब जैसे बेडशीट कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं कि धुलने के बाद उनका अलग ही सीन हो जाता है, मतलब हम परचेज करते हैं तो कुछ और रहता है और धुलने के बाद कुछ और हो जाता है, तो वो तो मुझे लग नहीं रहा है इसमें कि धुलने के बाद इसका कुछ प्रॉब्लम इसमें इशू आएगी। तो ठीक है, आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। सो ये है इस बेडशीट का फाइनल लुक। अब वैसे गर्मियों में ना ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा ठंडक देता है आँखों को, तो अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी है। तो पहली वाली का तो फाइनल लुक आपने देख लिया, अब आती है दूसरी की बारी। तो दूसरी है ये रेड कलर की बेडशीट, और मुझे जुकाम हो रहा है। और एक चीज और बताती हूँ, मैं 5 बजे सुबह के वीडियो शूट कर रही हूँ, कितनी बिजी हूं मैं, सुबह 5 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। खैर इसके पीछे एक रीजन है, बताऊंगी इस वीडियो में, एंड तक बता दूंगी। तो ये रेड कलर की बेडशीट है सेकेंड, जिसका प्रिंट भी काफी मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर है, मतलब एक तरीके से मैंने मंगा ली, उसके बाद मैंने देखा कई जगह पे मैंने इसको देखा पॉपुलर सा। और इसका पिलो कवर सेम साइज का है, मतलब मीडियम लेंथ में। और कपड़ा इसका बात करें तो जैसा पहले व्हाइट वो जो क्रीम वाली, मतलब जो पहले मैंने दिखाई ना क्रीम वाली जो बेडशीट थी, उसका कपड़ा मटेरियल थोड़ा ज्यादा अच्छा था अकॉर्डिंग टू दिस। इसका ना जैसे बेडशीट लेके आते हैं हम, तो कपड़ा थोड़ा कड़क सा लगता है, जैसे कलप हुआ हो उसमें, और फिर धुलने के बाद वो थोड़ा पतला सा हो जाता है, मतलब एकदम बिल्कुल हल्का हो जाता है, उड़ता रहता है वो, इस तरीके का मुझे इसका कपड़ा लग रहा है। लेकिन हाँ, गर्मियों के अकॉर्डिंग तो ठीक है, सर्दियों में तो हमें ये यूज करनी नहीं है, गर्मियों में तो हल्का ही जितना होगा कपड़ा उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसका कपड़ा देखिए कुछ इस टाइप का है, खैर वीडियो में तो आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। और मुझे ये चीज बहुत बेकार लगी, जो इसमें ये साइड में जो सिलाई रखी हुई है, रेड कलर की भी तो रख सकते थे, व्हाइट कलर की रख रखी है, जो इस चीज को बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। लुक की बात करें, क्योंकि डार्क कलर है, बच्चे हैं अगर आपके घर में, जैसे कि हमारे घर में भी है, गंदे ज्यादा करते हैं, तो कलर ये ज्यादा गंदा नहीं होगा। और
ठीक है, मतलब लुक सी ठीक आ रहा है, आप देख रहे ना आपको अच्छा लगे। तो बस दो चीजें मुझे इसकी थोड़ी कम जमी, पहली तो इसमें लाइनिंग देखो व्हाइट कलर की कर रखी है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। मुझे इस तरीके से जो चीजें रहती है ना अनमैच वाली, तो वो मुझे ना उतनी ज्यादा इरिटेट करती है मेरे माइंड को, तो ये मुझे इस चीज की वजह से मुझे इतनी ज्यादा कुछ मेरे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ इसके लिए। और इसका जो फाइनल लुक है वो देख लेते हैं, और रिव्यू की बात करें अगर, जो पहले वाली थी उसको दूंगी मैं 10 out of 10, इसको दूंगी मैं 8 out of 10। अच्छी है, आप देख लेना, अपनी अपनी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मुझे जैसे इसका व्हाइट कलर की जो इसमें वो लगी हुई है ना, मतलब रील से सिलाई रखी है साइड में, वो उतना मज़ा नहीं आ रहा। और कपड़ा हाँ मैंने बता दिया है कि धुलने के बाद ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, जब आप मतलब ये बेडशीट आएगी तो आपको थोड़ी कड़क कड़क सी लगेगी कि हाँ भाई मोटी, मतलब कपड़े को मोटा दिखाने के लिए कलफ लगा देते हैं, तो वो थोड़ी कड़क सी लगती है कि हाँ एकदम वैसे। धुलने के बाद वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और मतलब कपड़ा काफ़ी हल्का हो जाता है। मैं गर्मियों के हिसाब से ये चीज़ सही है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैं इन चीज़ को पहले भी मैंने 2-3 इस तरीके इसी कपड़े पर बेडशीट मंगाई थी, तो ये चीज़ फेस की थी। खैर फाइनल लुक देख लेते हैं, प्राइस वगैरह बेडशीट में मैं मेंशन कर दूंगी ऊपर स्क्रीन पे। और हाँ, अगर आपको ये बेडशीट वगैरह परचेज करनी हो तो इन सब बेडशीट का जो लिंक है वो मिलेगा कम्युनिटी में। कम्युनिटी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, कम्युनिटी जैसे चैनल पे आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहां पे एक कम्युनिटी का ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पे इन सबका लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली फिर मीशो से लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट मीशो से परचेज कर सकते हैं। तो इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस बेडशीट। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके की लग रही है और कैसा इसका लुक आ रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और ना कूलर ना पंखा ना कुछ, क्योंकि चलाऊंगी तो वॉइस होगी, और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं 5 बजे शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में अब गर्मी होने लगी है, कूलर चलता है तो काफ़ी भड़बड़ 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 मची रहती है। हाँ, तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे, क्योंकि साइलेंस मिलेगा, अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इतनी मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, लोगों को लगता है कि बस 2 मिनट में बन जाती है वीडियो, उसमें टाइम क्या है, इसमें मेहनत क्या है। खैर जब आप फुल टाइम यूट्यूबर बनोगे तब आपको पता चल जाएगा, और नहीं बनोगे तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनीवेज नेक्स्ट बेडशीट पे आते हैं, बातें बहुत हो गई। इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि इसका डिजाइन कैसा है। लेट्स अनबॉक्स इट। ओहो, तो ये है इसका पिलो कवर, और इस पे भी इन्होंने व्हाइट कलर की साइड में वो कर रखी है, ये कुछ फैशन चल रहा है क्या। और मतलब काफी मोटे मोटे से टाके हैं, ये देख लीजिए आप, बहुत मोटे मोटे, मतलब लंबे लंबे टाके हैं, मतलब खुल भी सकते हैं, अगर जरा सा खिंच जाता है तो पूरा खिंच जाता है, फिर सिलाई खुल जाती है इस तरीके पर। पहले सच जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी, ताकि बाद में आप लोग मुझे कहो कि तुम्हें देख के है के तुम्हें मतलब तुम्हें देख के हमने मंगाई थी। और ये है इसके बेडशीट का लुक, फाइनल लुक तो खैर आप देख ही रहे हैं, बिछाने के बाद तो कुछ मतलब ऐसे इतनी पता चलता, बिछाने के बाद पता चलता है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको। और इसके कपड़े की बात करें तो थोड़ा कॉटन मिक्स जो होता है ना, खिंचना टाइप का जो कपड़ा होता है, और देखिए इस टाइप का कपड़ा है। इसका प्रिंट जो है वो आप देख सकते हैं, दूसरी साइड कैसा आ रहा है और फ्रंट साइड पे कैसा आ रहा है। प्रिंट कपड़ों की तो मुझे अब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन प्रिंट वगैरह की इतनी ज़्यादा नहीं है, रबड़ प्रिंट की ज़रूर है क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर ये बेडशीट, इसको रेटिंग की बात करती हूँ, चलो ज़्यादा ना बता के, इसको मैं दूंगी 7 out of 10, क्योंकि मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन जैसा पिक में दिख रहा था मीशो पे, मुझे वो सेम नहीं लग रहा है। एंड ऑफकोर्स मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन सी मैं रखने वाली हूँ कौन सी नहीं रखने वाली हूँ, ठीक है। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे उतना जमा नहीं है, जैसा कि मैंने पिक देख के मंगाया था वैसा कुछ नहीं है इसमें, पसीने भी आ रहे हैं मुझे। खैर इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। वैसे देखने में इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही है, लेकिन रियल में देखोगे तो थोड़ी शायद आपको बुरी लग सकती है। डिज़ाइन मुझे वैसा सेम नहीं लगा जैसा कि पिक में दिखा रखा था। खैर ठीक है। सो दिस इज द 4th बट नॉट द लास्ट। तो ये वाली बेडशीट कह सकती हूँ कि मुझे, खैर बाद में बताऊंगी, मैं अभी आपको बेडशीट अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। मैं हैंड टू हैंड ना पैक करके वापस भी रख रही हूँ, बिकॉज इनके रैपर इधर उधर हो जाते हैं ना, मतलब टाइम सेविंग कितनी माइंड से काम कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए, बात करते करते मैं कर रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि आपको इरिटेट कर रही हूँ। ये देखिए आप, इसका ये है पिलो कवर,
और बहुत इन सारी बेडशीट में सबसे ज्यादा जो क्यूट बेडशीट मुझे लगी, और रुद्र को ये वाली ना बहुत ज्यादा पसंद आई, ये वाली बेडशीट, क्यों? क्योंकि वो अभी पता चल जाएगा आपको। और ये है इसकी बेडशीट, दिस इज द फाइनल, फाइनल तो नहीं बोल सकते हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके घोड़े तांगे क्या है वो दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके का डिजाइन है इस पे। कपड़े की बात करें तो कपड़ा जो सबसे पहली वाली दिखाई थी ना, उसका कपड़ा तो बहुत ही अच्छा था, उससे थोड़ा सा एक दो पॉइंट कम है हाँ, बट मतलब इतना बुरा भी नहीं है, मतलब एक दो पॉइंट कम है, क्योंकि उसका बहुत ही क्रीम वाली जो थी उसका बहुत ही अच्छा था कपड़ा। फिर सेकंड वाली जो थी उसका ठीक था, थर्ड वाली तो थी उसका भी ठीक ठाक था, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक ठाक है, मतलब 150 रुपये में है तो फिर ठीक है। और फिर मैंने इसको तय कर दिया बात करते करते, कपड़ा इसका ठीक है। और हाँ, आपको प्रिंट दिखाऊं कि बैक साइड में कैसा प्रिंट आ रहा है, बैक साइड में सेम ही आ रहा है प्रिंट। अरे रुद्र को मतलब बच्चे हैं जैसे, तो उसको बहुत पसंद आई, ये बोल रहा था कि इसको हटाओ ही मत, लगी मतलब जैसे मैंने सूट किया ना तो ये बोल रहा था कि इसको बिछी रहने दो, इसको हटाओ मत यहाँ से, क्यों हटा रहे हो। तो बच्चों के लिए बेस्ट है, अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों का मतलब खेलने कूदने के लिए, जैसे हमने भी उसके लिए सेटअप कर रखा है हॉल में, मतलब फ्लोर पे ही हमने गद्दे वगैरह मैट्रेस कर रखा है, जुगाड़ क्या मतलब, आजकल तो यही चल रहा है, चाइना वाइना में भी आपने देखा होगा इस चीज़ का भी फैशन है, कुछ सोफा टाइप का कर रखा है हमने, तो उसके लिए ये बेस्ट है, ये वाला ही मैंने तय करके रख दिया। और हाँ, अब देख लेते हैं फाइनल लुक। सो ये वाली जो है ना मेरी वन ऑफ द फेवरेट बेडशीट है, और रुद्र को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना और उनके लिए बेड वगैरह के लिए काफ़ी क्यूट सी बेडशीट है, और बच्चे नहीं भी हैं तो हम कौन सा बुड्ढे हो चुके हैं, हमें भी बहुत क्यूट लगेगी ये वाली। तो हाँ, क्वालिटी बताना मैं भूल गई, उसको मैं दूंगी 10 out of 10। तो सबसे पहले वाली थी उसके 10 out of 10 थे, फिर उसके बाद सेकेंड वाली थी उसके 8 out of 10 थे, थर्ड वाली के भी 8 out of 10 हाँ, और फोर्थ वाली जो अभी मैंने दिखाई जिसपे थोड़े कार्टून वार्टून से बने हैं, उसको मैं दूंगी 10 out of 10, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी मुझे, बहुत ही ज़्यादा। एंड द लास्ट वन जो मैंने आपको बोला था कि मेरी फेवरेट, जो मैंने मतलब देखने में मुझे पिक में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट, मतलब सबसे अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ये कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत अच्छा लगता है वाला कलर। तो ये है इसके साथ पिलो कवर, बहुत ही ट्रेंडी और क्लासी सा है, और 150 रुपीज में मिल रहा है, सबसे बड़ी बात, कोई ट्रेंडिंग और क्लासी सी चीज़, ट्रेंडिंग फिर भी ना हो क्लासी हो, क्योंकि ट्रेंडिंग तो मोस्टली सबके पास ही रहती है तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो काफ़ी क्लासी और प्रीमियम सा लुक देती है ये वाली बेडशीट। इसका कलर कॉम्बो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और कपड़े की बात करें, इसकी बैक साइड का डिज़ाइन दिखा देती हूँ मैं आपको, कपड़ा अच्छा है इसका और बहुत ही प्यारी लगी मुझे ये, सबसे ज़्यादा जितनी बेडशीट है उनमें सबसे ज़्यादा मैं मुझे अच्छी लग रही थी देखने में। और बात करें कि आई कैसी है, तो जैसी मुझे देखने में सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, आई भी सबसे ज़्यादा अच्छी यही वाली है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी यही वाली लग रही है। बाकी एक बार फाइनल लुक देखने के बाद ही जज करेंगे हम, क्योंकि कई बार क्या होता है देखने में अच्छी लगती है लेकिन बेड पे उतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है जब हम उसको बिछाते हैं, तो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं फिर बात करते हैं। तो इस वाली बेडशीट ने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी, फर्स्ट नंबर पे मुझे ये, सेकंड नंबर पे कार्टून वाली, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। तो मुझे ये बहुत ही प्यारी लगी, एकदम मज़ेदार लुक आया। तो ये मतलब बेडशीट बिछाने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और सबसे नंबर वन पे रखूंगी मैं इस वाली बेडशीट को, इसको भी 10 out of 10, मतलब क्वालिटी वाइज लुक वाइज 10 out of 10 दूंगी मैं इसको। फिर सेकंड नंबर पे बात करें, अगर क्वालिटी वाइज सेकंड नंबर पे रखें तो क्रीम वाली बेडशीट, और अगर लुक वाइज रखें तो कार्टून वाली बेडशीट। तो लुक वाइज सेकंड नंबर पे कार्टून वाली है, और क्वालिटी वाइज अगर क्वालिटी अच्छी की बात करें तो क्रीम वाली है, और उल्टा करोगे तो फिर सेकंड थर्ड दोनों, मतलब सेकंड थर्ड में से वो दोनों ही है। लुक वाइज देख लो तो ये वाली सेकंड पे है, वो वाली थर्ड पे है, क्वालिटी वाइज देख लो तो ये वाली सेकंड पे, वो वाली थर्ड पे। खैर आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फोर्थ नंबर पे रेड वाली है, और फिफ्थ एंड द सबसे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है ब्राउन वाली, मतलब जो जिस मल्टी कलर टाइप की थी ना वो वाली। तो 150 के अंडर की बात करें तो सबकी सब अच्छी हैं,
ठीक है सब। हाँ बस सबसे वो जो ब्राउन वाली थी ना, जो मैंने थर्ड न, मतलब एक रेड हो गई और एक ब्राउन बॉक्सेस वाली थी ना, वो मुझे बिल्कुल भी मतलब कुछ खास पसंद नहीं आई। उसका लुक भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है और मटेरियल भी कुछ मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। रेड वाली का तो फिर भी ठीक है, तो सही है, बाकी सब सही है। बस एक में थोड़ा सा गड़बड़ लगा, मैं उसको ही रिटर्न करूंगी और बाकी सबको रख लूंगी। और रेड वाली को भी लुक वाइज वो भी अच्छी लग रही है, मतलब बेडशीट बिछाने के बाद रेड वाली भी अच्छी लग रही है। तो उसको मैं सोच रही हूँ कि अभी रखूँ या रिटर्न करूँ, क्या करूँ, तो उसके बारे में देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन हाँ, जो वो ब्राउन कलर वाली है ना, उसको तो पक्का मैं रिटर्न करूँगी, वो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। और हाँ, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं इन सभी बेडशीट्स को, तो सबके लिंक आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे स्टोर पे जाएंगे और फिर वहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मीशो से आपका जो ये प्रोडक्ट है मीशो पे रीडायरेक्ट कर देगा और फिर आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। तो अभी प्राइस जैसे 150 के अंडर में मैंने इन सबको परचेस किया है, बल्कि एक तो 116 की थी प्राइस, तो सारे मैंने मेंशन कर दिए थे स्क्रीन पे, तो आपने देख लिए होंगे। बट अब थोड़े बहुत 10-20 रुपए, ऐसा नहीं है कि ज्यादा हो गए, कम भी हो सकते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं प्राइजेस, तो उसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेने का, एग्जैक्ट प्राइस नहीं मिलते रहते हैं, ऑनलाइन अप डाउन होते रहते हैं। खैर, इसी तरीके की हॉल वीडियोस आपको चाहिए तो थोड़ा कमेंट करके मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और हॉल वीडियोस लेके आ पाऊं। और पसीने देखो कितने, मतलब चिप 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 सी हो गई है, कितनी मेहनत कर रही हूं, तो इसीलिए एक लाइक तो कर देना। कमेंट में सजेशन आप टाइप कर सकते हो, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।